हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मेरी तरह कहीं ना कहीं चटोरपंथी कर रहे होंगे। तो आज आपका ये स्वाद का दोस्त योगेंद्र गौतम जो है वो आपको खिलाने जा रहा है चाट। और चाट खाने हम आ गए हैं डीडीपुरम में, चाट बाज़ार में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, चाट बाज़ार जो कि लाइव काउंटर है चाट का। तो बिना देर करते हुए चलिए चाट बाज़ार चलते हैं और आज आप लोगों को स्पेशल कुछ खिलवाते हैं चाट बाज़ार में। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, पहुंच गए हम लोग चाट बाज़ार और यहाँ बाहर पहुँचते ही आपको ये कुछ ऐसा सा बोर्ड दिख जाता है, अब से रात के 1 बजे तक आपको भरपूर आनंद मिलेगा। किसका? चुस्की फालूदा कुल्फ़ी का। और चुस्की फालूदा कुल्फ़ी का काउंटर बाहर ही है। एड्रेस मैं आपके स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग एड्रेस बोलते कि भैया आप एड्रेस नहीं बताते हो, तो एड्रेस आपको मैंने दिखा दिया। ये रहा फुल मेन्यू इस दिन का, और डे वाइज के हिसाब से ये लोग मेन्यू डिसाइड कर देते हैं। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख जाती हैं कि क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। फ़िलहाल एक ओवरव्यू दे देता हूँ काउंटर्स का और उसके बाद कुछ बनवाते हैं यहाँ पर। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों, यहाँ से जो पहला काउंटर शुरू होता है वो होता है दही भल्ले और पापड़ी का। यहाँ पर पापड़ी का काउंटर आप देख सकते हैं, राज कचौरी वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। पहला काउंटर राज कचौरी का हो गया। और दूसरे काउंटर पे जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आपको अवेलेबल हो जाती है मूंगलेट, यानी मूंग दाल का चीला। तो अगर आप चीला खाने के शौकीन हैं तो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर सबका फेवरेट, हम सबका फेवरेट छोले भटूरे। जी हाँ, अगर आप छोले भटूरे खाना चाहते हैं और यहाँ की स्पेशलिटी है ये छोले भटूरे, इस पर एक अलग ब्लॉग बनाऊंगा अगर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे तो। क्योंकि ये डेली सिक्स वाले इन लोगों ने बता रखे हैं, डेली सिक्स में जो छोले भटूरे फेमस है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। और दूसरा जो काउंटर आपके सामने पड़ता है दोस्तों, ये है जलेबी का, केसरी जलेबी। जी हाँ, केसर वाली जलेबी। तो ये ट्राई करना तो बनता है दोस्तों। और यहाँ पर आपको इको थाली भी मिल जाती है, अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो खाना भी आराम से खा सकते हैं चाट बाज़ार में, ऐसा कुछ नहीं है। तो फ़िलहाल मैंने ऑर्डर कर दिया है बेडमी पूड़ी और आलू की सब्ज़ी। तो आइए सबसे पहले ये एंजॉय करते हैं और फिर कुछ और इसके बाद ऑर्डर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ जैसा आप देख सकते हैं हमारी जो बेडमी पूड़ी की जो प्लेट है वो रेडी हो चुकी है, और उसमें उन्होंने हमको दिया है सीताफल की सब्ज़ी यानी कद्दू की सब्ज़ी, और है आलू, और उसके साथ जो मिल रहा है ये है अचार। जी हाँ, मिक्स अचार है, प्याज है, सैलेड हो गया आपके पास, तो बस बेडमी पूड़ी का इंतज़ार है। तो ये आ गई हमारी पूड़ियाँ। तो चलिए दोस्तों, इनको ट्राई करते हैं, एकदम गर्मा गर्म बेडमी पूड़ी और जो है आलू की सब्ज़ी, मेरी वैसे भी फेवरेट है दोस्तों, मज़ा आ गया, बहुत यम थी। तो चलिए, अब गुलाब जामुन का नंबर है, आइए गुलाब जामुन लगवाते हैं। यहाँ के गुलाब जामुन दोस्तों काफ़ी बड़े होते हैं और मेरे ख्याल से एक सफिशेंट होगा। ये देखिए आप क्या साइज़ है गुलाब जामुन का, इसके ऊपर गार्निश कर दिया उन्होंने पिस्ता और बादाम के साथ, ये देखिए। आइए इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं मुँह में जाके किस तरीके से ये घुलता है। आई होप आप लोगों के मुँह में भी पानी आ रहा होगा। तो पहले इसको क्या करते हैं, ज़रा चम्मच से काट के देखते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, मज़ा आ गया दोस्तों, A1 क्वालिटी का है। और इसी के साथ जलेबियाँ हो जाएँ तो मज़ा आ जाता है।
बचपन से बड़ा मेरे को ये ना जब जलेबी बनाते हैं तो मेरे को बड़ा अच्छा सा लगता था। हमें संडे का इंतजार किया करते थे हम लोग कि संडे को हम जलेबी खाया करेंगे। तो ये देखिए अब ये सिरप में चली गई है जलेबी, और एकदम टेस्टी टेस्टी जलेबियाँ गर्मा गर्म जब मिल जाएँ सुबह सुबह खाने में आपको, तो फिर बात ही क्या है। तो दोस्तों ये देखिए अभी इसको ये गार्निश करके देंगे, ऐसे नहीं मिलेगी क्योंकि केसरी जलेबी है तो केसर का फ्लेवर इसके अंदर भर गया है। और ये देखिए ये आ गई है प्लेट, और इस प्लेट पे अब भैया डालने वाले हैं पिस्ता। जी हाँ, डेकोरेट करके आपको जब कोई चीज़ मिलती है ना तो आधा तो भैया टेस्ट उसी से आ जाता है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ आपको कुल्फ़ी भी अवेलेबल है, अगर आप कुल्फ़ी के शौकीन है ना तो डिफरेंट फ्लेवर के कुल्फी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। सिटिंग एरिया आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, आप अगर बैठ के खाना चाहते हैं बैठ के खा सकते हैं, खड़े होके खाना चाहते हैं खड़े होके खा सकते हैं। और ओवरव्यू तो आपने देख ही लिया यहाँ का कैसा है। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे से ब्लॉग में। टिल देन योगेंद्र गौतम साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।